नमस्कार। आज के इस ब्लॉग वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज हम ऐसे जगह आए हैं, जगह है कैरसी प्रखंड के कंजोबा गांव है। और इस गांव में हम आए थे और यहां कुछ ऐसे नज़ारा दिख गया जिसे देखकर मुझे भी अच्छा लगा। और यहां एक किसान अपने हिसाब से यहाँ पे एकदम ड्रिप के माध्यम से खेती किए हैं, एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से खेती। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो खीरा है, खीरा का खेती किए हैं और खीरा के साथ ये टमाटर का भी खेती किए हैं। आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा भी है। और काफ़ी बेहद बड़ा सा एरिया में पहली बार इस क्षेत्र में तरह से खेती किए हैं। और अभी फसल लहलहा रहा है, फूल रहा है। अब फल तो नहीं आया है, फूल आया है और टमाटर में भी फूल आया है और ये खीरा है, खीरा में भी फूल आया है। आप मेरे पीछे साइड देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र में ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से, और दिखाते हैं आपको ड्रिप के माध्यम से खीरा का जो खेती किया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और आप भी अगर इस तरह से बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से 90% सब्सिडी में आपको ड्रिप मिल जाता है और आप उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जगह में है और काफ़ी बड़ा जगह है और फसल भी लहलहा रहा है। और ये किसान काफ़ी मेहनत किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो हम इस क्षेत्र में थोड़ा सा घूम लेते हैं सोचे। और आप देख सकते हैं फसल इतना अच्छा दिख रहा है। अब चलिए हम आगे दिखाते हैं, आगे भी कुछ लगाया हुआ है, वो अलग फसल है। लेकिन इस ये यहाँ पे हम आगे दिखाते हैं, ये ग्राफ्टिंग वाला टमाटर है, यानी कि इस टमाटर में नीचे का जो जड़ है वो है बैंगन का है और ऊपर वाला जो है टमाटर है। और ये भी लगभग 2 एकड़ में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हल्का फूल आने लगा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अभी स्टैकिंग करेगा। स्टैकिंग के बाद ये पूरा फसल एकदम अच्छा होगा और सही समय में लगा है, इसका अच्छा रेट भी मिलेगा। और पूरा यहाँ पे 2 लेबर लोग लगे हुए हैं, लगभग 3 यहाँ लेबर प्रतिदिन काम करते हैं, आप देख सकते हैं।